सांप अपने कैंचुल को कैसे उतारता है, और यदि किसी सांप का जहर उसी सांप को जबरदस्ती पिला दिया जाए तो क्या वो सांप मर जाएगा, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर वन, दुनिया की सबसे महंगी चाय पत्ती का नाम द होंग पाओ टी है। इसके 1 kg चाय पत्ती की कीमत करीब 8,28,00,000 रुपए है, जिसका उत्पादन केवल चीन में ही होता है। नंबर टू, फोटो में जो मशीन दिख रहा है उसे JCB नहीं बल्कि बैकहोई लोडर कहते हैं। JCB एक कंपनी का नाम है जो ये मशीन बनाती है, जिसका पूरा नाम जोसेफ साइरिल बम्फोर्ड एक्सकेवेटर्स लिमिटेड है। नंबर थ्री, आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में हर दिन 4 भूकंप और साल में लगभग 1500 के करीब भूकंप आते हैं। इसके बावजूद भी जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी है। नंबर फोर, अगर किसी सांप का जहर उसी सांप को जबरदस्ती से पिलाया जाए तो वो सांप नहीं मरेगा। केवल वो सांप ही नहीं बल्कि अगर आपके मुंह, गले और आंतों में जरा सा भी कट या छोटा सा भी जख्म नहीं है तो आप भी बेहिचक कोबरा का जहर पी सकते हैं, आपका बाल भी बाका नहीं होगा। नंबर फाइव, आपके बॉडी से जब कोई बाल टूटकर जमीन पे गिरता है तो उसके गिरने की आवाज होती है जो एक चींटी जैसा प्राणी ही सुन सकता है। आसपास हजारों तरह की आवाज शोर कर रही होती है लेकिन इंसान उनमें से कुछ ही आवाजों को सुन पाता है। नंबर सिक्स, भारत के पास दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन है जिसका नाम लाइफलाइन एक्सप्रेस है। नंबर सेवन, हर जीव की त्वचा यानी कि स्किन मरने के कारण अपने आप किसी किसी जगह से उतरती रहती है, मगर सांप अपनी त्वचा के खराब होने पर इसे साल में 3 से 4 बार उतारता है, जिसे कैंचुली उतारना कहते हैं। अजगर साल में एक बार ही कैंचुली बदलता है। कैंचुली उतारने के बाद सांप की त्वचा की सफाई हो जाती है, किसी तरह का संक्रमण हो तो वो भी ठीक हो जाता है। नई त्वचा काफी चिकनी और चमकदार आती है। कैंचुली बदल जाने के बाद सांप काफी चुस्त और आकर्षक दिखता है। त्वचा में कुछ भी खराबी होने पर सांप एकांत स्थान पे चला जाता है और खाना भी छोड़ देता है। फिर वो बहुत तकलीफदायक दौर से गुजरता है। उसके मुंह के पास की त्वचा कुछ ढीली होती है, जबड़े के पास किसी पत्थर आदि से रगड़ कर चीरा लगाता है, फिर पैर पत्थर कांटों आदि से शरीर को रगड़ रगड़ कर पूरे शरीर की कैंचुली को उतार देता है। ये जादू केवल वही कर सकता है, हम नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इनमें से कौन सा फैक्ट अच्छा लगा कमेंट करके बताइए।